इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर ज्ञान सच्चा और साहित्य अच्छा होगा तो हर रोज ही सुख होगा। ऐसे होते हैं जिनकी सांसों की रफ्तार आयुष्य की चौखट को पार करके चौराहों के बीच किसी कहकते मयूर की भांति विश्व के कीर्तिवानों के बीच अपना सुर सुना सकती है। इन सांसों के संग बिताई हुई दो घड़ियां भी जीवन में एक अनोखा खुमार भर देती है और संपूर्ण जीवन इन्हीं घड़ियों की यादों में जिया जा सकता है। ये ना मिटने वाला खुमार हर इंसान में तो नहीं छलकता, क्योंकि अमृत तो वो है जो कभी नहीं मिटता। जिस जीवन ने चिरंतन जीवन प्रणाली, जीवंत विचार और रचनात्मक कार्य से इस दुनिया की शोभा बढ़ाई, वही अमृत होता है और अमृत बरसाता है। और ऐसे ही ज्ञान रूपी, साहित्य रूपी अमृत बरसाने वाले गुरुवर परम पूज्य आचार्य श्रीमद विजय रत्न सुंदर सुरीश्वर जी महाराज साहेब। ज्ञान की बारिश से आया सबको भिगोने, साहित्य की बूंदों से आया मन को पिरोने, सबकी उलझन सुलझाने अंधियों मिटाने, ये ज्ञान की ज्योत जलाने आया है। आयो रे आयो रे आयो आयो रे आयो रे आयो आयो रे आयो रे आयो आयो रे आयो रे आयो। दीक्षा काल के तीसरे साल से ही गुरुदेवश्री ने प्रवचन देना शुरू किया। उस समय भी उनके प्रवचन इतने प्रभावशाली होते थे कि जैसे ही लोगों को पता चलता था कि आज मुनि श्री रत्नसुंदर महाराज साहेब का व्याख्यान है, तो व्याख्यान हॉल आधे घंटे से पहले ही पूरा भर जाता था। अपनी वाचना और प्रवचन से सबको प्रभावित करने वाले गुरुवर की लेखन शैली में इतनी धार नहीं थी। एक दिन पालनपुर के खोड़ा लिमड़ा उपाश्रय में दोपहर 2:35 पर भुवन भानु महाराज साहेब ने गुरुदेव श्री को बुलाया और कहा, रत्नसुंदर तू लिखना शुरू कर दे। गुरुजी, मुझे एक पोस्टकार्ड भी लिखना होता है तो मैं आपके पास डिक्टेशन लेने आता हूँ, तो पुस्तक लिखना तो बड़ा ही मुश्किल काम है। क्या तुम्हें मेरे वचनों के ऊपर भरोसा नहीं है? अपने आप से भी बढ़कर भरोसा है मुझे आप पे। बस तो फिर तुम लिखने का काम आज अभी से ही शुरू करो। तत्व ज्ञान से भव सागर को पार लगाने, रोम रोम में प्रभु भक्ति का भाव जगाने। ऐसा सुनकर गुरुदेव श्री ने पूज्य भुवन भानु महाराज साहिब की गोद में अपना सर रख दिया। उस वक्त 2:35 पर गुरुदेव श्री ने जो कलम उठाई थी वो आज तक इतने सालों के बाद भी अविरत चल रही है। ओ, तत्व ज्ञान से भव सागर। उनके सारे पुस्तकों की विशेषता यह है कि उनकी पुस्तकें किसी भी स्पेसिफिक एज ग्रुप के लिए नहीं होती। बच्चा हो या बूढ़ा, कोई भी इन पुस्तकों को पढ़कर उसे अपने साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जन जन को ये मिलाने, कृतज्ञ हमें बनाने, पत्थर को मोम
पता चला कि गुरुदेव 300वीं किताब लिख रहे हैं, तो मन में विचार आया कि कोई अपेक्षा रखे बिना अपना सब कुछ न्योछावर करने वाले गुरुदेव को हम क्या दे सकते हैं। हमने और हमारे जैसे कई गुरु भक्तों ने सोचा, गुरु भक्ति के लिए हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा। उनका हर साहित्य, हर पुस्तक हर बार ये कहते आ रही है, लहरें हैं हम गंगा की, बूंदे हैं हम सिंधु की, याद दिलाते जाएंगे हम आगम के वचनों की। कुछ तो करना था हमें, 300 पुस्तक अपने आप में ही नहीं, इस पूरे संसार के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। हमारे दिल में क्या चल रहा है वो तो गुरुदेव को पता ही नहीं था, वो तो अपने संयम जीवन की साधना करने में, 300वां पुस्तक लिखने में और प्रवचन के कार्यों में आत्मसात थे। बहुत विचार करने के बाद में हमने एक समिति की रचना की, फिर गुरुदेव ने कहे हुए कई शब्द हमने याद किया जो उन्होंने परमात्मा के लिए और जैन आगमों के लिए कहा हुआ था। एतबार किया है जो हम पर, भूलेंगे कभी ना जीवन भर, आर्य संस्कृति बचाने का अवसर आया है चुकाने का, हम सब पर ऋण है गुरुदेव का, अवसर आया है चुकाने का। साहित्य को लोगों तक रखने का इससे बढ़िया अवसर और कोई नहीं हो सकता, और जन्म हुआ साहित्य सत्कार समारोह का। गुरुदेव की ये बहुत बड़ी यात्रा तो थी जिसमें उन्होंने संयमी जीवन जीते हुए 300 पुस्तकों का विराट साहित्य का सृजन किया, और इसीलिए इसी कार्यक्रम को नाम दिया गया यात्रा 300। मुंबई के चूना भट्टी सायन की 20 एकड़ की विशाल भूमि पर निर्माण चालू हुआ 10 दिन तक चलने वाली यात्रा 300 के भव्य निर्माण का। जी हां, और एक अभूतपूर्व रचना मुंबई के आंगन में बनना शुरू हुई इस साहित्य सत्कार भूमि पर निर्माण हुआ भव्याति भव्य प्रवेश द्वार का। रजवाड़ी नक्शीकाम की उत्तम कला को जीवित करने वाला 600 फीट लंबा और 60 फीट ऊंचा यह प्रवेश द्वार मानो ज्ञान की गंगा का विशाल गौमुख ही था। और इसी भूमि पर ग्राम्य संस्कृति का अनुभव कराने वाली अनेकों कुटीरों का निर्माण हुआ, जहां स्थिरता के साथ सैकड़ों साधु साध्वी भगवंत संयम जीवन की आराधना में लीन हुए। साहित्य सत्कार भूमि की धरा पर निर्माण किया गया राजमहल जैसा विशाल प्रवचन मंडप, जिस मां की असीम कृपा से आचार्य श्री ने 300 पुस्तकों का सृजन किया, उस मां सरस्वती की आशीर्वाद बरसाती हुई 40 फीट ऊंची प्रतिमा जी।
इसी साहित्य सत्कार समारोह की भूमि पर निर्माण हुआ सरस्वती मंदिर का। जीवन को पावन कर देने वाले भव्य श्री संखेश्वर तीर्थ का निर्माण भी इस साहित्य सत्कार समारोह की एक अलौकिक विशेषता थी। इस कार्यक्रम में कई सारे बड़े बड़े राजनेताओं के और बड़ी बड़ी हस्तियों के आने की संभावना थी और इसलिए निर्माण हुआ एक भव्य और सुंदर स्वागत कक्ष का। आकार करवाने थे और विचार आया आधुनिकता से आध्यात्मिकता के साथ जुड़ने वाले और श्रुत महिमाओं को दर्शाने वाले चार हाईटेक जोन का निर्माण करवाने का। तकरीबन रोज के 1,00,000 लोगों के आने की संभावना थी। अब इतने सारे लोगों के वापरने की और पानी की व्यवस्था करना वो मानो किसी वर्ल्ड रिकॉर्ड जैसा ही था और निर्माण हुआ भरत चक्रवर्ती भोजन मंडप का। देखते ही देखते साहित्य सत्कार समारोह की धरा इन सारे विशेष आकर्षणों और भव्य प्रतिकृतियों से तैयार हो चुकी थी। अब सिर्फ इंतजार था 1 जनवरी 2016 का। जनवरी 2016 को प्रातः सुबह 9 बजे माटुंगा श्री संघ से साहित्य सत्कार समारोह की धरा के लिए एक भव्य वरघोड़े का आयोजन हुआ और साथ में प्रभु जी का प्रवेश हुआ।
और जिसका महीनों से इंतजार था, वो साहित्य सत्कार समारोह का उद्घाटन उसी दिन सुबह 11 बजे हुआ। ज्ञान की बारिश से आया सबको भिगोने, साहित्य की बूंदों से आया मन को पिरोने, सबकी उलझन सुलझाने अंधियारों को मिटाने, साहित्य सत्कार समारोह की शुरुआत हुई यूथ फेस्टिवल से। जैसे धागे में बंधी हुई सुई गिर जाने पर गुम नहीं होती है, वैसे जीव के अंदर रहा हुआ सम्यक ज्ञान, आया हुआ ज्ञान, मिला हुआ ज्ञान, मिटा हुआ ज्ञान, वो यदि आ जाता है, वो संसारे न विनस सही, वो कभी भी संसार में भटकता नहीं है। आपने 50-50 वर्ष से शिविरों के माध्यम से और साहित्य के माध्यम से हमको सम्यक ज्ञान से वासित करने का काम किया है। मुझे लगता है कि हमारा बहुत उत्कृष्ट भविष्य अभी से प्रारंभ होने वाला है। ये 50 वर्ष तक हजारों हजारों लोगों की आंख खोलने का आपने काम किया है। दोपहर 2:30 पर गुरु जी का शिविरार्थियों के लिए विशेष प्रवचन। इस संत के पास जो बुद्धि है वो बुद्धि मुझे दे दो, मैं दुनिया में एक नंबर का बुद्धिमान बन सकता हूँ। और बाजू वाला ने सिर्फ इतना ही कहा, दोस्त ये संत के प्रवचन सुनते सुनते तूने ये डिमांड कर दी, शायद इस संत की बुद्धि मुझे मिल जाए, मैं आइंस्टाइन बन जाऊं। मगर मैं तुझे इतना ही कहना चाहता हूँ, मांगना है तो संत का हृदय मांग ले, तू खुद परमात्मा बन जाएगा। नक्की तालाब सनसेट पॉइंट आबू में घूमने के लिए गया था वो रजनी, आज यदि रत्न सुंदर बन के तुम्हारे सामने बैठा है, क्रेडिट गोज टू ओनली फोन बानुसरी। दूध को जावन देना दही बन जाएगा, पत्थर को शिल्पी के हाथ में दे देना वो प्रतिमा बन जाएगी, और बीज को काली माटी देना वो फसल बन के निश्चित तौर जाएगी। और मुझे और आपको यदि कोई साधु संगति मिल गई, रास्ते के कोने पे एक श्री कृष्ण की प्रतिमा थी, रोज इनको नमस्कार करके जाता था, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना एक दिन कृष्ण को पूछने का मन हुआ, दोस्त रोज मुझे नमस्कार करके क्यों जाता है, भगवान आपको नमस्कार करके निकलता हूं ना मेरा पूरा दिन सुधर जाता है। और 4 महीने के बाद एक बार वो कृष्ण का दर्शन करने के लिए गया और पहली बार चमत्कार देखा, कृष्ण नु मोढ़ू भीत तरफ हतु। रोज भगवान आम बेचता था और आज भगवान नु मोढ़ू भीत तरफ हतु। बोलो छोकरो विचार में पड़ो, भगवान आज उल्टा केम बैठा, आज मारे तमने पूछूजे तमे तमारू मोढ़ू भीत तरफ केम करू। एले कृष्ण हंसता हंसता जवाब आप्यो, दोस्त क्यारेक मारो दिवस तो सुधारू के नहीं, भगवान वही रास्ते पे मेरा कदम में आगे बढ़ाना चाहता हूँ, जिसकी मंजिल पे या तो तू मिले या तो मैं खुद तू बन जाऊं। भिखारी आपको यही कहेगा, थिएटर में जाने वाला देगा वो भरोसा नहीं है, मंदिर में जाने वाला देगा वो भरोसा है। पक्का ना पदार्थ चाहिए, ना प्रशंसा चाहिए, ना प्रसिद्धि चाहिए, सेठ परमात्मा ही चाहिए।
लख जो कागलिया। और रात को 7:30 बजे हुआ महाआरती का आयोजन, जिसमें अनिल गिमावत ने प्रभु भक्ति का जबरदस्त सुरीला माहौल तैयार किया। पूज्य गुरुदेव श्री ने अपनी वाणी एवं लेखन कला से अनगिनत लोगों के जीवन में मन परिवर्तन, जीवन परिवर्तन और हृदय परिवर्तन किया है। उस परिवर्तन यात्रा को साउंड और लाइट इफेक्ट के द्वारा आकर्षक तौर पर इस जोन में दिखाया गया। इस समारोह का दूसरा दिन था कन्वर्सेशन सेरेमनी का। युवाओं के साथ आचार्य श्री के उष्मापूर्ण संवाद का। ये संयम जीवन अनंत काल के बाद मिलता है वो तो ठीक है, मगर मन भी तो अनंत जन्म के बाद मिलता है। मन, सारी दुनिया का प्रॉब्लम भगवान मैंने सॉल्व कर दिया, मन का प्रॉब्लम मैं खुद सॉल्व नहीं कर पाता हूँ। और इसी तौर में कुंथुनाथ भगवान के स्तवन में आनंद गंजी महाराज को भी बोलना पड़ा, कुंथु जिन मनडू किमही न बाजे। खंडित साधना वाला सदगति में चला जाता है, मगर खंडित समाधि वाले की सदगति खत्म हो जाती है। इस दुनिया में जल्दी से जल्दी बिगड़ने वाली कोई चीज हो तो मन, और सबसे जल्दी सुधरने वाली कोई चीज है वो भी तो मन। ओ तत्व ज्ञान से भव सागर को पार लगाने, रोम रोम में प्रभु भक्ति का भाव जगाने। उस दिन छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह ने साहित्य सत्कार समारोह में पधारकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। जन जन को ये मिलाने, कृतज्ञ हमें बनाने, पत्थर को मोम बनाने आया है। मेरे अंदर परिवर्तन आया 15 साल पहले, और संतों की कृपा से ही, उनके उपदेश से ही, और वही मैंने कोई सार्वजनिक सौगंध नहीं लिया, मगर मैंने मन में सोच लिया कि नहीं करना है, फिर पूरा परिवार उससे विमुक्त हो गया। तो ये हमारे जीवन में ये फर्क आता है जब संतों की कृपा होती है और उनके बात हम सुनते हैं। आज मुझे बहुत खुशी है यहाँ उपस्थित होकर। अठम तप के तपस्वियों का अत्तर वायना भी उसी दिन हुआ। और टेक आउट योर टैलेंट के माध्यम से विभिन्न पाठशालाओं के बच्चों द्वारा की गई संदेश प्रद नाटिका एवं नृत्य की प्रस्तुति, और आयोजन किया गया था ड्राइंग कंपटीशन का। मरु दीवाना ऋषभदेव क्या विराजमान से क्या तीर्थमा शत्रुंजय तीर्थमा कौन से क्या बैठा छे क्या है वो शत्रुंजय पालीताना क्या है वो सौराष्ट्र क्या है वो गुजरात से मैं वो भारत से मैं वो एशिया से मैं वो जम्मूदीप से मैं वो तिरजालोक से मैं वो बोलो याद आ गई क्यों नहीं खुश चलो। आयो रे 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 आयो र
युवा शिविर में बैठा हुआ एक एक युवान मानो गुरुवर को गुहार लगा के सिर्फ यही कह रहा था, धर्म के उपवन में छाई है जब अधर्म की आंधी, फिर क्यों यौवन ने भारत के डोर मोह की बांधी, तोड़ सके हम ये दीवारें अब दे दो गुरुवर हमें ये आह्वान, अब दे दो हमें ये आह्वान। अब जो जोन्स बने थे उसमें से एक था फिल्म जोन, जिसमें गुरुजी के जीवन पर एक बहुत ही सुंदर फिल्म मीटराउन प्रोडक्शन ने बनाई थी जिसका नाम था मेकिंग ऑफ सरस्वती पुत्र। पूज्य गुरुवर के जीवन के महत्वपूर्ण मुकामों, सफलताओं, साधनाओं और सिद्धियों को दर्शाने वाली यह फिल्म इस कार्यक्रम का एक विशेष आकर्षण थी। उस दिन साहित्य सत्कार समारोह के विशेष अतिथि थे श्री मोहन भागवत जी। उद्बोधन आपको आचार्य श्री से प्राप्त हो रहा है, उसको आप ध्यान से सुनेंगे, मन से मानेंगे और करनी में लाएंगे तो और किसी के तरफ से सुनने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तालाब के जिस पानी की बात आचार्य श्री ने आपके सामने रखी, तालाब के दक्षिण कोने का पानी है कि उत्तर कोने का कि पूरब का कि पश्चिम का, पानी एक ही है और वो तालाब का पानी कायम रखने का काम परंपरा से हमारे यहाँ आध्यात्मिक महापुरुष विभिन्न पंथ संप्रदायों के करते आए और वो करते रहेंगे। आचार्य ऋषि ने इतनी पुस्तकें लिखी, किसके लिए लिखी? केवल स्वांत सुखाए नहीं लिखी, हम पढ़े मनन करें और करनी में लाए, इसलिए लिखी है। और ये काम हमेशा चलते रहा है, आगे भी चलते रहेगा। उनका काम वो करेंगे, उसका हमको जिस प्रकार से प्रयोग विनियोग उपयोग करना है वो हम कर रहे कि नहीं, ये प्रश्न रहता है। इस दिन गुरुवर ने सारे तपस्वियों को अठम तप के पचकान दिए। इस साहित्य सत्कार समारोह की शोभा गुजरात के सीएम माननीय आनंदी बहन पटेल ने इस कार्यक्रम में पधारकर बहुत ही बढ़ा दी। आज एवं स्थान ऊपर छो, कदाच मारा जीवन नो आ एक धन्य प्रसंग हशे। मैं सवारे मारा श्री ने कहू के हूँ तो आपना आशीर्वाद लेवा माटे आवी छु, जेथी करीने गुजरात आखाए देश नी अंदर अने विश्व नी अंदर श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करी शके। मित्र, एक पुस्तक लगता लगता थाकी जवाय, 300-300 पुस्तकों लखवा अने ए पण एवा पुस्तकों लखवा पण मानवीना जीवननी अंदर परिवर्तन करी शके अने रोज बरोजनी समस्याओनु समाधान एनी अंदर होय, सामाजिक परंपराओ सचवाई रहे, आपणा कौटुंबिक संबंधो अने सामाजिक संबंधो जळवाई रहे, एमां कोई विक्षेप पड्यो होय तो विक्षेपने केवी रीते दूर करी शकाय, आ बधावना संबंधो નો ખૂબ સુંદર ચિત્રણ આ પુસ્તકોની અંદર કર્યું છે। મિત્રો, જ્યારે મહારાજશ્રી તરફથી આ કાર્યક્રમની અંદર ઉપસ્થિત રહેવાનું નિમંત્રણ મળ્યું ત્યારે હું આનંદ મંગલ પુસ્તક વાંચતી હતી, રાતના 10 વાગ્યા હતા। મિત્રો, મારા હાથમાં એ પુસ્તક આવ્યું ત્યારે આશ્ચર્ય સાથે મને આનંદ અને ગૌરવ થયું કે આપણી કક્કોને બારાખડી ક ખ ઘ ઘ એના ઉપર પુસ્તક લખ્યું। મિત્રો, કોઈને કલ્પના ન આવે કે આ રીતે પણ સમાજને માર્ગદર્શન કરી શકાય છે એક બારાખડીનો ઉપયોગ કરીને। મિત્રો, આ પરિવર્તન કરવાનું કામ, આ સાચી દિશા પકડાવવાનું કામ ચાહે રાજનેતાઓ હોય કે પછી શિક્ષણવિદો હોય, સંતો મહંતો અને આપણા જેવા મહારાજશ્રીઓએ કર્યું છે। મિત્રો,
અને એટલે જ આજે સંસ્કૃતિ જળવાઈ રહી છે. લખી રાખો આરસની તકતી પર મિત્રો, હું જે પણ વ્યક્તિ મને મળવા આવે એવી વ્યક્તિઓને આ પુસ્તક મારા તરફથી હું ભેટ આપું છું, કે લઈ જાઓ. और उसी दिन हुआ सरस्वती उपासना का महोत्सव. उसी शाम आयोजन हुआ था साहित्य सर्जनों सोनेरी इतिहास नाम के नाटिका का. आज तक रचे हुए सारे साहित्यों और गुरुवर ने रचे हुए साहित्य के ऊपर की गई थी ये विशेष प्रस्तुति. गुरुवर ने अपने जीवन में आज तक प्राप्त की हुई सारी सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, वैचारिक उपलब्धियों को दर्शाने वाला ये था उपलब्धि जोन. और 4 जनवरी 2016 का वो दिन जिस दिन का पूरे विश्व को इंतजार था, वो दिन आ गया. श्री पार्श्वनाथ प्रभु के जन्म कल्याणक एवं पूज्य गुरुदेव श्री रत्न सुंदर सुरीश्वर जी महाराज साहेब के जन्मदिन के उपलक्ष में शक्रस्तौ नमुत्थूणम सूत्र के माध्यम से प्रभु को भावभीनी वंदना दी गई. બંજર મન મે ધર્મ કર્મ કા બીજ બોને અહંકાર કે કાલે બાદલ કો હટાને મા સંસ્કૃતિ બચાને ધરતી કે ભાત જગાને સરસ્વતી પુત્ર જગત ને अलग महिला मंडलों ने थाल सजाए और थाल सजाओ प्रतिस्पर्धा में पूरे उत्साह के साथ भाग लिया. ऊंचा अंबर थी आओ ने प्रभु जी, ऊंचा अंबर थी आओ ने प्रभु जी, दर्शन करवाने तलसे आखड़ी. और उसी दिन साध्वी संवेग निधि महाराज साहिब ने एक हृदय स्पर्शी उद्बोधन भी दिया, साथ ही में प्रभु भक्ति के सुर सजाए सेजल शाह ने. और उसी दिन आयोजित हुआ जैन आइडियल का युवक और युवतियों की सिंगिंग कंपटीशन, युवकों द्वारा थीम बेस्ड डांस शो. इस 10 दिन के महोत्सव के दौरान कई सारे बड़े बड़े राजनेता, बड़ी बड़ी हस्तियां एवं विभिन्न क्षेत्रों के दिग्गज गुरुवर के आशीर्वाद लेने हेतु साहित्य सत्कार समारोह में पधारे.
संघ और हर संप्रदाय के तकरीबन 600 से 650 जितने साधु साध्वी जी भगवान का एक ही भूमि पर एक साथ इस भव्य कार्यक्रम में सम्मिलित होना वो किसी भी श्रावक और श्राविका के लिए एक बहुत ही विरल घटना है। पूज्य आचार्य श्री की एक से लेकर 300 तक की संपूर्ण साहित्य यात्रा को विषयानुसार विभाजित करके रत्नवल्ड नाम की इस स्मार्ट सिटी में बिल्कुल नए रूप में प्रस्तुत किया गया था। को करेक्शन सेरेमनी का आयोजन हुआ, मतलब पूज्य श्री के प्रवचन से स्वयं की गलतियों को सुधारने का उत्सव हुआ। चित्तू शांत हो जा भाग एक, शांत सुधा रस की 16 में से 8 भावनाओं पर पूज्य श्री का हृदय स्पर्शी विवेचन हुआ। उसी दिन साहित्य सत्कार भूमि पर महाराष्ट्र के सीएम श्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने कदम रखे थे। साहित्य सत्कार समिति ने श्री देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र की पांजरापोल के लिए 76 लाख रुपयों का डोनेशन दिया। साहित्य सत्कार समारोह में पूजनीय महाराज साहब के दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करने का फिर एक बार मौका मिला, इसलिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और वैसे भी अगर हम महाराज साहब को राष्ट्रीय संत कहे तो वो ज़्यादा सही होगा। मैं ऐसा मानता हूँ कि फिर एक बार ये आवश्यकता है कि समाज आगे आए और हमारे गौवंश को बचाने की एक मुहिम राज्य सरकार और जैन समाज मिलकर अगर करेगा तो मैं ऐसा मानता हूं कि जो कानून हमने बनाया उसको वास्तविकता में हम सब लोग प्रयासों से लाएंगे। और इसके लिए भी पूजनीय महाराज साहब का आशीर्वाद हमको प्राप्त हो, ऐसे मैं उनसे विनती करता हूं। पूज्य साध्वी जी राज रत्ना श्री जी महाराज साहेब ने की हुई 100 ओली का पारना भी उसी दिन हुआ। तारीख 6 को कन्वर्सेशन सेरेमनी का आयोजन हुआ। स्वयं को परिवर्तित करने का यह उत्सव था जिसमें चित्तू शांत हो जा भाग बे शांत सुधारस की शेष 8 भावनाओं पर पूज्य श्री का विवेचन हुआ। गई काले 31 दिसंबर खाली महाराष्ट्र में होटल में जे दारू पीवायो एनी रकम आपो तो पूरा महाराष्ट्र नो दुकाल मटी जाय એટલી તાકાત છે। एक दिवस 31 डिसेम्बर आ महाराष्ट्र में जितलो दारू पीवायो होटल में जितना नग्न नृत्य था खाली एनी इनकम आपी दो आखा महाराष्ट्र नो दुकान खलास थी जावो छे। बाजीराव मस्तानी ने दिल वाले आ तमारी भाषा छे, मारी भाषा तमने नहीं समझाया, तमारी भाषा में बात करूं छु। આવી પિક્ચરો 2-3 દિવસમાં 100-200 કરોડના કલેક્શન કરે તા તમારો ભૂલે ચૂકે વિરોધ નથી। ઓર ઉસી દિન હુઆ અઠમ તપ કા પારણા। આ
कसरत के साथ साथ हमें श्रित ज्ञान के निकट लाने हेतु एवं सात्विक आनंद की अनुभूति कराने हेतु फन जोन की कल्पना की गई। टेक्नोलॉजी बेस्ड गेम्स इस फन जोन में आकर्षक रूप से रखे गए थे। जैसे जैसे साहित्य सत्कार समारोह आगे के चरण में बढ़ रहा था, वैसे वैसे जनमेदनी बहुत ही बड़ी ही संख्या में सोमया ग्राउंड में उमड़ने लगी थी। और साहित्य सत्कार समारोह का वो सातवां दिन आया। ममता की गंगोत्री में स्त्री नामक गर्भ संस्करण पर डॉक्टर अभय भाई का उद्बोधन हुआ। शाम को 8 बजे चालो थोड़ा हड़वा थी जाइए पूज्यश्री की पुस्तकों पर आधारित साईराम दवे द्वारा सात्विक मनोरंजन उसी शाम परोसा गया। गुरुवर ने लिखी हुई 300 पुस्तकों की विशाल और विशेष कलात्मक प्रदर्शनी की गई थी इस कमल मंदिर के अंदर। उसी दिन आयोजन हुआ रिश्तों की अदालत का। हमारे कई सारे प्रश्नों के उत्तर आचार्य श्री से इसी प्रश्नोत्तरी में प्राप्त हुए। रिश्तों की अदालत में यह दूसरा प्रश्न, कहीं रुको कभी रुको, यह किताब ने लाखों लोगों की जीवन में परिवर्तन किया हुआ। मैं एक उदाहरण दूं तो धीरूभाई जी अंबानी यह किताब पढ़ के गुरुदेव के पास लगातार संपर्क में रहे। तो क्या कहीं रुको कभी रुको ये बच्चों की परवरिश के लिए किस तरह एप्लीकेबल रहेगा? स्नेह और स्वभाव जब तक अच्छा नहीं होगा तब तक परिवार प्रिय आप गारंटी के साथ नहीं बन पाएंगे। दिस इज द यूनिवर्सल ट्रुथ। जहाँ बाप की अनुपस्थिति में बेटा ये बोलते बोलते रो पड़ा था, महाराज साहब करोड़ों 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 भोग का पुण्य होगा, ऐसे बाप का मैं बेटा बनाऊ। महाराज साहब आप मेरे पिताजी को एक बार देखो, आपको भी लगे अगले जन्म में बाप हो तो ऐसा बाप हो। बोलना चाहते हो कोई तुम्हारे पीछे बोलने वाला? आपका बेटा ये बोलने के लिए तैयार है? आप मैं गुरुदेव फोन बन सुना के लिए बोल सकता हूँ, जन्म जन्म मिले तो ये ही गुरुदेव मिले, है तुम्हारा बेटा बोलने वाला? उसी दिन महिलाओं के लिए गुरुवर का विशेष प्रवचन, जिसमें प्रवचन मंडप ही नहीं पर सोमया ग्राउंड का एक एक इंच महिलाओं से भर गया था। जेना गुणों ने वर्णवा श्रुत सागरो छा पड़े। गुरुवर का प्रवचन विषय था 5 स्टार ऑफ वुमेन हार्ट। कोई जगह बची नहीं थी सोमया ग्राउंड में। महिलाओं का इतना विशाल समूह शायद ही कभी इतनी बड़ी संख्या में कहीं पर भी इकट्ठा हुआ होगा। ज्ञान प्रेम संपत्ति और विश्वास, एक दिन चारों घर से निकल रहे थे। ज्ञान ने प्रेम को पूछा तुम अभी जाता तो है, मिलेगा तो कहां मिलेगा? और प्रेम ने बता दिया मां के हृदय में मिलूंगा, संत के हृदय में मिलूंगा, आप जहां जा भी लगे वहां देख लेना, मैं निश्चित तौर से मिलूंगा। मैं यहां से जाता हूं तो माने नहीं मिलूंगा, नहीं मैं मिलूंगा, निश्चित मिलूंगा। ओके संपत्ति पैसा निकलने लगा तो प्रेम ने पूछा दोस्त तू यहां से जाता है कहां मिलेगा? स्टॉक एक्सचेंज में, मार्केट में मिलूंगा, FD में मिलूंगा, श्रीमंतों के घर में मिलूंगा, तिजोरी में, डरो मत मैं छाने के बाद मिल सकता हूँ। ज्ञान को पूछा तू जाता है कहां मिलेगा? और उसने बोल दिया मैं संतों के मुंह पे में बैठता हूँ, चाहे यूनिवर्सिटी में मिल सकता हूँ, नर्सरी में जो लड़के लड़की पढ़ने के लिए जाते वहां मिलूंगा, आप मेरी चिंता मत करो जाने के बाद मैं मिलूंगा। ज्ञान प्रेम और संपत्ति ने तीनों ने एक साथ विश्वास को पूछा तू कब मिलेगा? और उसने बोला एक बार मैं टूटता हूँ फिर कभी मिलता ही ना। स्मरण थी भविक ना इच्छित कार्यो सिद्धता। उस दिन प्रवचन मंडप पूरा महिलाओं से ओवरफ्लो हो गया और हम ये चाहते थे कि हमारी कोई भी बहन या बेटी प्रवचन सुने बिना वापिस न जाए, लेकिन हर तरफ
लगे हुए एलईडी और साउंड सिस्टम से उस दिन 60,000 महिलाओं ने एक साथ गुरुवर को सुना। गुरुदेव के पुस्तकों के माध्यम से आज तक जो समाज में परिवर्तन हुआ उसकी प्रस्तुति एक नाटिका के माध्यम से दिखाई गई थी। रंगत प्रोडक्शन कृत यह नाटक था परिवर्तन पंचामृत। नौ जनवरी को 300 श्रुतोपासक परिवारों के द्वारा आचार्य श्री द्वारा लिखी हुई पुस्तकों की स्वर्ण प्रति का हृदय से सत्कार हुआ। अनेथया श्रुतना वधामणा। दिन पूज्य मुरारी बापू ने अपने पावन कदम साहित्य सत्कार समारोह की भूमि पर रखे। कि नियम नहीं तोड़ा जाता, व्रत तोड़ा जा सकता। नियम बंधन है, व्रत मुक्ति है। मैं ऐसा फर्क समझता हूं। और उनमें बहुत से व्रत है, इनमें एक व्रत है मौन व्रत। और जहाँ भाव हो, प्रेम हो, और जिस प्रेम व्रत को न तोड़ दे वो प्रेम खाक है क्या? इस प्रेम का क्या लेना देना? आपने भगवान 300 ग्रंथ संसार को दिए। मुझे आपके विचार, एक बड़ा विचार यज्ञ आपने किया साहब। अक्सर आपका रत्नत्रयी ट्रस्ट या तो आपके जो आश्रित हैं इनमें से कोई न कोई जब आपकी नई किताब निकलती है तो मुझे भेज देते हैं और मेरे पास वो किताब आती है। आपके सुनने वाले और शायद कभी मुझे भी सुनते होंगे उसको पता होगा कि जिसमें से जो बात मेरे दिल तक पहुंच जाती हैं, जो मेरे अनुभव में खरी उतरती हैं, वो बातें मैं मेरी व्यासपीठ से आपके पुण्य श्लोक नाम के साथ बोलता हूँ। कायमी सन्यासी है, नित्य 24 घंटों सन्यासी है, जो कोई कामना नहीं करता और किसी का द्वेष नहीं करता। ये भगवत गीता का सूत्र है। और मेरे समाज, मेरे भाई बहन, आप सबको मैं महाजन को कहना चाहता हूं कि अब साधुओं को शाल देना आदर जरूर है, बंद करना चाहिए, मशाल देना चाहिए। कबीर की तरह एक एक मशाल पकड़ाओ कि मुस्कुराता हुआ आचार्य समाज के चौक में जाकर कहे कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए खाती हाथ, जो घर फूके आपका सो चले हमारे साथ। तो बाप विचारों में जिए वो मेरी दृष्टि से साधु, विनोद में जिए वो साधु, विराग में जिए वो साधु, विश्वास में जिए वो साधु, और विवेक में जिए वो साधु। उस दिन कार्यक्रम का संचालन किया था श्री संजय भाई वखारिया ने। समाधान ना शिखरे त्रस्त થયેલા મનને સ્વસ્થ કેવી રીતે બનાવું તેની વાતો મારે પણ કઈ કહેવું છે। પશુઓના માધ્યમથી મનુષ્ય ઉપર કટાક્ષ અદ્ભુત આ પુસ્તિકા જંગ ખરા ખરીનો જિંદગીના મેચમાં જીવનને કેવી રીતે જીતવું એની વાતો સમજણના સત્વારે વિવેકની પક્ષારે ભોજનનો વિવેક ભોજન કેવી રીતે વાપરવું શું વપરાય ને શું ન વપરાય એની નાનામાં નાની વાતો પૂજ્યશ્રી પુસ્તકમાં મૂકી છે। દિવાલ જ્યારે તૂટી જાય છે પડોશીને મિત્ર માનનારા કે મિત્રો સાથે ફરવા જનારા આપણે બે સગા ભાઈ વચ્ચેના સેતુને જ્યારે તોડી રહ્યા છે ત્યારે એ ભાઈ સાથેના સંબંધને કેવી રીતે મજબૂત કરવો એની વાતો, દર્પણ સાથે દોસ્તી, મનનું સ્પષ્ટ પ્રતિબિંબ આપણે જોઈ શકીએ તેનો નિર્દેશ કરતું પુસ્તક, હું સ્વસ્થ છું, હું મસ્ત છું, સાંજ સુધારસ ગ્રંથ ઉપર પ્રવચન, તિજોરી, રતલામના ચાતુર્માસમાં પૂજ્યશ્રી દ્વારા થયેલું પ્રવચન, ડૂબકી, અંતર મનમાં ડૂબકી મરાવનારું આ પુસ્તક। ગુરુદેવ કે પ્રશિષ્ય પાર્શ્વ સુંદર મહારાજ ને गुरुदेव श्री की 300 पुस्तकों के नाम क्रम से याद करके सभा के समक्ष उसका बिना कहीं रुके उच्चारण किया था। और समारोह की अंतिम घड़ियां शुरू हुई। इस विशाल साहित्य सत्कार समारोह का आयोजन जिन्होंने इतनी खूबसूरती से किया था
वो साहित्य सत्कार समिति के सारे सदस्यों का सम्मान समारोह हुआ। साहित्य सत्कार समारोह में करीबन 3 महीने से इसी मैदान पर कार्य चल रहा था और इस कार्य में हजारों युवाओं का जब हाथ मिलता है, हाथ से हाथ मिलता है, तब इतने बड़े महोत्सव का आयोजन होता है। बंजर मन में धर्म कर्म का बीज बोने, अहंकार के काले बादल को हटाने, हो बंजर मन में धर्म कर्म का बीज बोने, अहंकार के काले बादल को हटाने, मां संस्कृति बचाने, धरती के भाव जगाने, सरस्वती पुत्र जगत ने पाया है। आयो रे आयो रे आयो 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 आयो रे आयो सुंदरी सुरेश्वरजी। और एक बूंद डालने के मेरे प्रयास की अनुमोदना करने के लिए या जिन जिन लोगों ने काम किया है उनको मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, आपने काम ही नहीं किया है, आपने खुद पर पत्र लिखा है, अगले जन्म में डिलीवरी होगी तब पता चलेगा ये क्या लिखा है। उस दिन एक सबसे बड़ा आकर्षण था और वो था टपू। एक दोस्त जो जिंदगी बदल दे, गुरु जी के पुस्तकों और जीवन पर आधारित यह नाटक के दौरान फिर से बड़ी ही संख्या में लोग जमा हुए। तुम मुझे मत समझाओ, इसीलिए ग्रैंडपा इसीलिए मैं साथ में बैठकर नाश्ता प्रेफर नहीं करता। तो गुरुदेव, कुछ लोगों को इतनी पीड़ा क्यों? कुछ लोगों के पास आंखें नहीं होती, हाथ नहीं होते, पैर नहीं होते, पैसे नहीं होते, अच्छा जीवन नहीं होता, ऐसा क्यों गुरुदेव? ऐसा क्यों? कर्म और संसार में रहकर अच्छे कर्म करना वो भी कठिन है। अगर आप दीक्षा भी ले सकते हैं तो कोई बात नहीं, पर ऐसा काम तो कर ही सकते हो ना जिससे अपना और दूसरों का जीवन खुशियों से भर जाए। जैसे एक दोस्त जिंदगी बदल सकता है, वैसे ही एक अच्छा कार्य हमारी जिंदगी बदल सकता है। मारू भारत सारू भारत गुरुदेव का 300वां पुस्तक और वो दिन आ गया जिसका हमें बड़े समय से इंतजार था, गुरुदेव के पुस्तक विमोचन का और लोकार्पण का। परम पूज्य आचार्य भगवंत रत्न सुंदर सूरी महाराज साहेब, मुझे आप सबकी क्षमा मांगनी है क्योंकि मैं स्वयं वहां उपस्थित नहीं रह पाया। आज मुझे ये 300वें ग्रंथ के लोकार्पण का अवसर मिला। एक प्रकार से पूरे हिंदुस्तान के जीवन को अपनी इस यात्रा के दरमियान अपने भीतर समा लेने का उन्होंने एक अविरत प्रयास किया है और उसी का परिणाम है कि उत्तम ये दिव्यता का अंश हम सबको प्राप्त हुआ है। उन्होंने समाज की जो कमियां हैं, व्यक्ति के जीवन के जो दोष हैं, परिवार जीवन के सामने जो खतरे हैं, उसके खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते रहे हैं। कभी कभी उनकी वाणी में चांदनी की शीतलता महसूस होती है तो कभी कभी तेजाब का भी अनुभव होता है। उन्होंने समाज को इस बात के लिए प्रेरित किया कि हर धर्म से ऊपर अगर कोई धर्म है तो वो राष्ट्र धर्म है। आप मातृ भक्त हो, जिस माता ने आपको जन्म दिया, आपने गुजरात में जब थे तब गुजरात वांछे
गुजराती वाचे, ये अभियान चला करके आपने मातृभाषा पर भी प्रेम प्रकट किया है। जननी माता को आपका प्रेम मालूम है, हमें मातृभाषा पर आपका प्रेम मालूम है, और भी पीएम के स्थान पर बैठ करके पूरी मातृभूमि पर आपका जो प्रेम है, तो तीन प्रेम लाखों करोड़ों लोगों को आपके जीवन की इस ताकत प्रेरणा दे, और कंधे से कंधे मिलाकर इस देश की सील सदाचार सुरक्षा और संस्कार के लिए आपका जो प्रयास है, मैं यहां बैठ करके आपके वो प्रयास को कंधे से कंधे मिलाकर लाखों करोड़ों लोग आपको सहयोग दे, ऐसी यहां से भी प्रेरणा करता हूं। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने गुरुवर की 300वीं पुस्तक का लोकार्पण दिल्ली से लाइव लाखों लोगों के सामने किया। पूज्य भुवन भानु के वचनों को निभाकर संयमी जीवन के सारे बंधन अपना कर, अनेकों तपस्या करके अनेरी साधना करके सरस्वती लब्ध प्रसाद पाया है। आयो रे आयो रे आयो 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 आयो रे आयो आयो रे आयो सुरेश्वरजी। मारू भारत सारू भारत नाम की 300वीं पुस्तक जो गुरुदेव ने लिखी थी, उनकी ओरिजिनल प्रति गुरुवर ने अपने ही हाथों से श्री कल्पेश भाई को अर्पण की, और पूज्य गुरुवर के मारू भारत सारू भारत पुस्तक की हिंदी आवृत्ति का लोकार्पण किया छत्तीसगढ़ के मंत्री राजेश मूणत ने। गुरुवर के लिए विशेष तौर पर एक गाना तैयार हुआ था, आयो रे आयो। उस गाने के ऊपर कलाकारों ने नृत्य करके गुरुवर को सलामी दी। परम पूज्य आचार्य भगवंत राजेंद्र सूरी महाराज साहब, बूंदों से आया मन को पिरोने सबकी उलझन सुलझाने अंधियारों को मिटाने ये ज्ञान की ज्योत जलाने आया है। गुरुदेव श्री के साहित्य की सुगंध देश ही नहीं विदेशों में भी फैली हुई है। इन्हीं सुवास से आकर्षित होकर यूएसए गवर्नमेंट ने पूज्य गुरुदेव श्री को 300 पुस्तकों के विराट साहित्य सर्जन हेतु विशेष अभिनंदन पत्र प्रदान किया। माहौल को यह स्वरूप देने के लिए एक डेढ़ साल से जहमत उठाई थी। सबसे पहले गुरुदेव के परम शिष्य परम पूज्य पन्यासपुरावर युग सुंदर विजय जी महाराजा, परम पूज्य मुनिराज वात्सल्य सुंदर विजय जी महाराजा, परम पूज्य मुनिराज पराठ सुंदर विजय जी महाराजा और परम पूज्य मुनिराज जिनाग्ञा सुंदर विजय जी महाराजा। गुरु भगवंत के इस कार्य को चरम सीमा तक पहुंचाने के लिए इन गुरु भगवंत ने दिन रात मेहनत की है। गुरु वर्ग के विनीत शिष्य गण ने इस कार्य को संभव बनाने के लिए जो अथक परिश्रम किया वो हमारी कल्पना से भी बाहर है। हैट्स ऑफ टू देम, संयम जीवन के सारे नियमों को मानते हुए इतना बड़ा कार्य करना That was impossible. अभी तो ऐसा लग रहा है कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ। आज भी मैं साहित्य समारोह को याद करता हूँ, मेरा रोम रोम जाग उठता है। ये परमात्मा के और गुरु के ही आशीर्वाद थे, ऐसा विराट कार्यक्रम संभव हुआ। स्ट्रेस होए, टेंशन होए, बदू छूटी ले, जेना पची આપણે અહીંયા આવીએ તો બધું સ્ટ્રેસ આપણા યંગ જનરેશન માટે પણ આ બહુ સારો આદેશ મળી શકે કે એ આપણામાં ઇન્ટરેસ્ટ લેતા થાય। સરસ, યે બહોત ઇન્સ્પાયરિંગ હૈ યંગસ્ટર્સ કે લિયે, અગર યંગસ્ટર્સ કો એસા દેખને મિલેગા તો લાઈફ મે બહોત અચ્છા હૈ, ઇનકે બેટરમેન્ટ કે લિયે અચ્છા હૈ, ફ્યુચર ઓર વો સબ કે લિયે। આટલું મોટું સ્ટ્રક્ચર જોઈને બહુ જ આનંદ થયો,
મહેનત એકદમ જ દેખાઈ આવે છે. એ સાહેબ હજી 200 બુક લખે એટલે સાહેબ લખતા જાય ને અમે આવતા જ છીએ. આ બધું બહુ સારું છે, જોવા જેવું છે. એકવાર ના જોઈએ તો અફસોસ થાય એમ. પ્રોગ્રામ ફિલ્મ જો ના બધું જબરદસ્ત બનાવ્યું એકદમ. અરે શિખરજી કા દર્શન કરકે બહુત અચ્છા લગા. જીતતા ખેલે ઉતના કમ નહીં હે. બહુ સરસ ઓર ઉતની વ્યવસ્થા જો કે યહાં પર કે વો બહુત મતલબ સરાહનીય હે. બધું સારું છે, એમાં ભૂલવા જેવું છે જ નહીં. બધું સોચી નહીં શકતે, કલ્પના કે બહાર છે. લાઈફમાં અમે લોકો આટલા વખતમાં આવું છે નથી જોયું એમ. અને જો કુછ ભી દેખા હૈ ઇતના સુપર બના હૈ, ઇતના ઓસમ બના હૈ, ઇતના જાનને મિલા હૈ, બહુત હી આનંદ. It was a wonderful experience. बहुत ही मज़ा आया क्योंकि हमारे जो practical real life situations और problems हैं उनका solution उन्होंने बताया और कैसे उनकी books में उनके solutions हैं वो हर एक example के साथ दिखाया है. सुंदर, अति सुंदर है. साथ साथ अबे हुए हम लगी कमेशन के शोरूम. आचार्य रत्नसुंदरसुरीजी महाराज has done a very very good job. 300 books, awesome. Keep it up. We look forward to some more. है संग हमारे परमेश्वर, फिर हमको हो काहे का डर. एहसान है हम पर गुरुवर का, अवसर आया है चुकाने का, अवसर आया है चुकाने का.